अस्सलामुअलैकुम गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज हम आए हैं अपने एंदर व्लॉग के साथ, जो कि है पाकिस्तान मैरीटाइम म्यूजियम का। काफी टाइम से लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि बिलाल भाई आप पाकिस्तान मैरीटाइम म्यूजियम का हमें व्लॉग बना के दिखाएं जरा। तो फाइनली आज हमने डिसाइड कर लिया, तो आप इस वीडियो में मेरे साथ कंटिन्यू रहिएगा। आपको दिखाते हैं पाकिस्तान मैरीटाइम म्यूजियम जर्नी विद बिलाल के साथ। तो फाइनली हम जो है वो मैरीटाइम म्यूजियम पहुंच चुके हैं इस टाइम पे, और हमने यहाँ सबसे पहले अपनी बाइक पार्क करी, जिसकी एंट्री जो है वो 30 रुपये थी। तो फाइनली हम टिकट काउंटर पे पहुंच चुके हैं, जो कि बड़ों की एंट्री जो है वो 80 रुपये और बच्चों की 50 रुपये। मैरीटाइम म्यूजियम पहुंच चुके हैं, जो कि कारसास के बिल्कुल बराबर में बना हुआ है, और उस तरफ से आएंगे तो आप अरीना के बराबर के अंदर बना हुआ है, और एक बंदे की एंट्री जो है 80 रुपये है। ठीक है, तो अब हम अंदर जाते हैं और आपको दिखाते हैं मैरीटाइम म्यूजियम। सबसे पहले एंट्रेंस है, जहां पर आपकी चेकिंग होती है, देन उसके बाद फिर हम एंटर होते हैं। फाइनली हम मैरीटाइम म्यूजियम पहुंच चुके हैं। ये नेवी का पहला म्यूजियम है जो 1997 के अंदर तामीर हुआ था, और साथ ही साथ ये पाकिस्तान के बड़े म्यूजियम में से एक है, जो कि 28 एकड़ पे बना हुआ है। सो अब जो है वो हम म्यूजियम के अंदर एंटर हो रहा है, आपको दिखाते हैं म्यूजियम के अंदर क्या क्या है। आई थिंक ये इनका रिसेप्शन है। और यहाँ इन्होंने गाइड मैप भी लगाया हुआ है। ये म्यूजियम जो है वो 2 फ्लोर पे मुश्तमिल है, इसमें से एक फर्स्ट है, देन इसके ऊपर सेकंड फ्लोर है। कुछ मेमोरीज इन लोगों ने यहाँ पर लगाई हुई हैं, जो कि द्वारका ऑफिसर्स की हैं, और बड़े ही खूबसूरत सैंपल्स इन्होंने लगाए हुए हैं, जो कि सबमरीन्स के हैं। इसमें डिफरेंट सबमरीन्स को हाईलाइट भी किया हुआ है इन्होंने, बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाए हुए हैं ये। तो मतलब तमाम चीज़ें इन्होंने बनाई हुई हैं, जो कि सबमरीन और बहरी जहाज़ों के अंदर इस्तेमाल होती हैं, जिसमें से कुछ जो है वो डमीज़ हैं और कुछ जो है वो ओरिजिनल है। आई थिंक उनको रिफर्ब किया हुआ इन्होंने। बहुत ही खूबसूरत गैलरी बनाई हुई है, जिसके अंदर बहुत अच्छी अच्छी तस्वीर लगी हुई हैं, जो कि नेवी से रिलेटेड है मेरे ख्याल से। आप लोगों ने बहुत बड़े बड़े बल्ब तो देखे होंगे, लेकिन आज आपको दिखाते हैं कि शिप के जो बल्ब होते हैं वो कैसे होते हैं। ये देख रहे हैं इनका साइज कितना बड़ा है। ये इन लोगों ने यहाँ पर शिप का कोई मॉडल भी लगाया हुआ है, जो कि फकीर जी कोवसल जी, ये कोई मर्चेंट कंपनी था 1925 के अंदर, उसका कोई शिप था, उसका उन्होंने यहाँ मॉडल लगाया हुआ है, जो कि बहुत ही खूबसूरत तरीके से बना हुआ है। यहाँ पर इन्होंने रॉप्स और नॉट्स लगाई हुई हैं, जो कि इस्तेमाल होती हैं जहाज के अंदर बांधने के लिए, किस किस टाइप की हैं तमाम। मुझे बड़ा शौक था देखने का, लेकिन फाइनली मुझे मिल गया देखने के लिए, जो कि हम फिल्मों में देखते नहीं थे। मिट्टी का जो वो टाइम पीस बना होता था, जिसके अंदर रेत इधर से उधर जा रही होती थी, तो आई थिंक हाँ ये वही है, सैंड ग्लास टाइम पीस। चलते फिरते हमें कुछ और चीज़ें भी नज़र आ गई हैं, जैसे कि ये सी डाइविंग ड्रेसेस हैं, जो कि समंदर के अंदर इस्तेमाल होते हैं डाइविंग के लिए, या फिर इसे कहते हैं हम लोग गोताखोरी के लिए।
ये कुछ ट्रॉफीज हैं जो कि पाकिस्तान नेवी को मिली हैं। और कुछ ये हिस्ट्री की चीज़ें हैं जो कि बड़ी संभाल के इन लोगों ने रखी हुई हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये बड़े ही साफ सुथरे तरीके से और बड़ा ही अच्छे तरीके से इन लोगों ने सेव करी हुई हैं। और ये सब ओरिजिनल है, कोई डमी या फिर कोई इसकी रेप्लिका नहीं है। और ये कुछ गन्स हैं पुराने दौर की जो कि यहाँ पर सेव हैं। और उनके बुलेट्स देखें सर, आपके गन्स की तो बुलेट्स नहीं हैं, ये किसी और चीज़ के बुलेट्स हैं बड़ी गन्स की। आई थिंक ये 14.5 mm वाली है और ये 20 mm वाली है। ये HMS लियोपर्ड 1790 का कोई जहाज़ है, उसकी डमी बनाई हुई है, देखें बड़ा ही शानदार है। ये देख के तो मुझे फिल्म पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन का जैक स्पैरो का ब्लैक पर्ल याद आ गया। अगेन कुछ रिवॉर्ड्स, ये बड़ी ज़बरदस्ती चीज़ मुझे मिली है, ये है रेंज फाइंडर। आई थिंक ये रेंज वगैरह बताता है देखने का, और ये उस दौर का है, मतलब पुराने टाइम का है, और ये ओरिजिनल है। और माशाल्लाह पाकिस्तान मैरीटाइम म्यूजियम में भी बहुत सारे जो अवार्ड्स हैं जो जीते हैं, जो कि आप ये देख रहे हैं। ये एक शिप का मॉडल है, मॉडल ऑफ इस्लामाबाद नाम है इस शिप का। देखें कितना ज़बरदस्त मॉडल इसका बनाया हुआ है। तो आप जो यूनिफॉर्म देख रहे हैं पीछे, ये हमारी जो पाकिस्तान की फोर्सेज हैं उन तमाम फोर्सेज के यूनिफॉर्म हैं सारे, जो कि इन लोगों ने इस टाइम पे डमीज़ के ऊपर लगा के रखे हुए हैं, जो कि इस्लामिक नेवल हिस्ट्री के नाम से है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से ये लिखा हुआ है कि नो एंट्री, दाखिला मना है। चले, वो बड़ी ज़बरदस्त सी चीज़ हमें मिल गई है जो कि सिग्नलिंग सर्च लाइट कहते हैं इसको। और ये हमने ज़्यादातर जो है हॉलीवुड की मूवीज़ में देखी हैं, फिल्म्स के अंदर, तो आज ज़िंदगी में पहली बार मैं ये रियल में देखा हूँ। ये कुछ पुराने दौर की इन्होंने गन्स लगाई हुई हैं जो कि मेरे ख्याल से वास्को डी गामा ही गन है, आई थिंक। आई थिंक कंपास वगैरह लग रहा है मुझे। ये भी बड़ी कोई ज़बरदस्त सी चीज़ मिली है हमें, जो कि है 1674 की है, मैप है उस टाइम का बना हुआ। दिस इज़ ओरिजिनल यार, ज़बरदस्त। आजकल के दौर में आप लोगों ने रस्सी बनते हुए देखा होगा, लेकिन ये उस ज़माने की मशीनरी और ये वो सिस्टम लगा हुआ है जिस टाइम पे मशीन रस्सी मैनुअल बनती थी। तो आप देखें ज़रा इस मशीन को, ये मैनुअल रस्सी बनाने वाली मशीन है। बड़ा खुश हूँ बताते हुए कि यहाँ पर घूमते हुए मुझे मेरी सबसे पसंदीदा चीज़ मिल गई है, जो कि आपको मैं दिखाता हूँ कि ये मेरी हैं फिशेस। ये मेरा सेकंड नज़र आपको पता है। लेकिन बस इन्होंने नॉर्मल कैटेगरी की फिशेस रखी हुई है, कोई ब्रांडेड या कोई अच्छी फिशेस नहीं रखी हुई यहाँ पर। लेकिन है बड़ा खूबसूरत सा बनाया हुआ है इन्होंने। और यहाँ पर कुछ जो है वो बड़ी साइज़ की मछलियाँ हमें नज़र आई हैं, जो कि शायद आई थिंक एक ही टैंक है जो बड़ा बना हुआ है जिसके अंदर ये फिशेज हैं। ये है मेरी पसंदीदा फिश, हाँ भाई, पैरेट। बहुत प्यारी मछली है ये। तो फाइनली हमने जो म्यूज़ियम का फर्स्ट फ्लोर था वो विज़िट कर लिया है। अब चलते हैं हम सेकंड फ्लोर पे और फिर आपको दिखाते हैं सेकंड फ्लोर। सो ये है सेकंड फ्लोर। तमाम वो लोग, उनके नाम हैं जो कि शोदा ऑफ पाकिस्तान है नेवी के, जो कि इन लोगों ने पत्थर के ऊपर इम्पोज किया हुआ बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से।
सबसे अच्छी चीज़ है यहाँ पर साफ सुथराई का बहुत अच्छा निज़ाम है। तो हमें यहाँ पर जो है एक स्केलेटन मिला है जो कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं। ये स्केलेटन मैं समझा कि किसी डायनासोर वगैरह का है, लेकिन एक्चुअल में हमने यहाँ पढ़ा दिखाई दे रहा है यहाँ पर ये बेसिकली वेल फिश का स्केलेटन है जो कि पाकिस्तान नेवी ने बड़ा संभाल के और बड़े तरतीब से यहाँ पर लगाया हुआ है। देख के बड़ा अच्छा लग रहा है कि कायदे आजम की जो है ना स्नोगा स्टिक इन लोगों ने अभी तक संभाल के रखी हुई है। ये कोई इन्फिनिटी मिरर है यहाँ पर आप देखें, तो सुपारको ने भी यहाँ पर ना अपना एक छोटा सा म्यूजियम लगाया हुआ है या बनाया हुआ है जो कि आप देख रहे हैं। इसके अंदर फुल यूनिवर्स के हवाले से इन्होंने डिफाइंड किया हुआ है सोलर सिस्टम के हवाले से। ये वो दुनिया का मैप है जो कि स्पेस से नजर आता है। बहुत खूबसूरत से डिज़ाइन इन लोगों ने यहाँ लगाए हुए हैं शिप्स के, मुझे तो बड़े पसंद आ रहे हैं। देख रहे हैं आप कितना खूबसूरत है और बड़े डिटेल लगाए हुए हैं इन्होंने। यहाँ पर बड़ी ज़बरदस्त सी बालकनी बनी हुई है लेकिन जो है इन लोगों ने लॉक किया हुआ है, आई थिंक ये यकीनन लॉक किया हुआ है, और ना आपको ऊपर से हम व्यू कराते हैं पूरा। सो फाइनली हमारा जो सेकंड फ्लोर का जो विजिट था वो भी कंप्लीट हो गया है, अब हम वापसी नीचे की तरफ जा रहे हैं। तो अब हम बाहर आ गए हैं म्यूजियम से, ये देख रहे हैं आप हमारे मिली नगमे चल रहे हैं और बहुत मोटिवेशनल सा म्यूजिक लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है और मौसम बड़ा सुहाना हो रहा है शाम का। बहुत ही खूबसूरत यहाँ लकड़ी का ब्रिज भी बना हुआ है भाई, सामने आप देख रहे हैं समरीन। अच्छा यहाँ पर घूमते हुए एक चीज बड़ी अच्छी लगी हमें कि यहाँ पर एक कपल भी आया हुआ है जो कि आई थिंक फोटो शूट के लिए आया हुआ है, देखें आप। दिल तो मेरा बहुत है इन राइड्स पे जाने का लेकिन झूलों से थोड़ा सा ना डर लगता है मुझे, तो फिर कभी। सो फाइनली हम लाइट टावर पे पहुंच गए और यहाँ की एंट्री जो है वो 20 रुपए है, इसकी अलग से एंट्री है, तो अब देखते हैं कि कितनी ऊपर है और ये सीढ़ियों से जाना है हमें ना, फिर आपके ऊपर पहुंचे दिखाते हैं हम। तो आपको दिखाते हैं हम लाइट टावर के ऊपर से कराची का नजारा। तो फाइनली हमने लाइट टावर पे से सूरज को गुरूब होते हुए देखा, माशाल्लाह बहुत ही हसीन नज़ारा था और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा था, और अभी भी आप देख रहे हैं कि आसमान पे हल्की हल्की लाली है और बहुत ही दिलकश मंजर हो रहा है। चले अब हम नीचे की तरफ चलते हैं, लाइट टावर हमने विजिट कर लिया। लाइट टावर की हाइट तकरीबन 4-5 मंजिल है और अब हम नीचे उतर गए।
शिफ्ट पे ऊपर चलते हैं। यहाँ पर आए हैं तो हमें एक बच्चा मिल गया जो कि बड़ा ही खूबसूरत सा बच्चा है और ये अकेला यहाँ पर घूम रहा है, इसके वालिदैन को फिक्र नहीं है। अगर आप लोग जानते हैं तो बच्चे को तो कमेंट सेक्शन में बताएं ये बच्चा कौन है। बड़ा खूबसूरत सा इन्होंने यहाँ पर लगाया हुआ शावर सिस्टम। यहाँ पर हमें एक समरीन मिली है जो कि अंदर जाके देखते हैं कैसी। तो बड़ी खौफजदा लग रही है देखने से ही। मुझे और डर लग रहा है अंदर जाते हुए, मैं वापसी आ जाऊं यही बेहतर है। फाइनली जो हमारा मैरीटाइम म्यूजियम का व्लॉग था वो यहाँ पर एंड होता है। बहुत मजा आया हमें यहाँ पर। आप लोग भी ये व्लॉग देख के बताइएगा आप लोग कैसा लगा। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग के अंदर, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।